नमस्ते, अगर आप भीगे हुए चने खाते हैं तो उसमें ये तीन इंग्रेडिएंट जरूर मिलाएं, जिससे भीगे हुए चने की ताकत 2x 3x हो सकती है। और भीगे हुए चने में ये तीन इंग्रेडिएंट मिला देने से प्रोटीन, कार्ब, फैट, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का संतुलन बन जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग बताते हैं कि भीगे हुए चने में ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, इसकी ताकत इतनी कर दीजिए, उतनी कर दीजिए। मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि चने के साथ ये इंग्रेडिएंट मिलाएंगे तो आपके शरीर के लिए वह फायदेमंद होगा। अब जो लोग व्यायाम करते हैं, पसीना बहाव व्यायाम करते हैं, तो उनके लिए तो यह एक प्रो डाइट की तरह काम करेगा। तो आइए अब हम जानते हैं वह तीन इंग्रेडिएंट कौन से हैं जो कि चने के साथ हमें मिलाने हैं। इसमें अगर हम मात्रा की बात करें तो अगर आप एक मुट्ठी चना खाते हैं तो इसमें आपको लगभग उतनी ही मात्रा में या उसके एक या पौन मुट्ठी आपको मूंग दाल ले लेनी है। मूंग दाल जो कि आयुर्वेद में सबसे उत्तम बताई गई है, सभी दालों में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। यह दाल के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह दाल सभी के लिए पथ्य है, यानी कि इसे बच्चा, बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला सभी तरीके के इंसान इसका सेवन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट पर, जो है मूंगफली। मूंगफली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह गरीबों की बादाम है, यानी कि जो व्यक्ति बादाम नहीं खा सकते तो वो मूंगफली तो जरूर ही खाए। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बजट में ही कम पैसे में ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाए, एक कंप्लीट प्रोटीन मिल जाए, तो आप मूंगफली पर जरूर खर्च करें। और यही कारण है कि मैंने इसमें मूंगफली को शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है मुनक्के। अगर आप एक मुट्ठी चना लेते हैं, पौन मुट्ठी मूंग दाल लेते हैं और आधी मुट्ठी मूंगफली लेते हैं, तो इसमें आपको 5 मुनक्के डालने ही डालने हैं। इन कंडीशन अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हैं तो इसमें आप 10 मुनक्के डालें। अब ये हमने पूरे इंग्रेडिएंट के बारे में जाना। अब हम इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, यानी कि ये हमें खाना कब है, किस तरीके से खाना है और इसे किस तरीके से लेके इसका पूरा पूरा इफेक्ट हमारे शरीर पर दिखने लगे। और सबसे मेन बात कि इससे जुड़ी मेरी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो कि आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसको लेना कब है। मेरे हिसाब से जाने तो इसका सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह एज ए ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट। आप कहेंगे इसे व्यायाम करने के पहले ले सकते हैं या बाद में ले सकते हैं, तो मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि आपको खाली पेट व्यायाम करना है और व्यायाम करने के आधे घंटे के बाद आपको इसका सेवन करना है। अब जब भी आप इसका सेवन करें तो उसके पूरे 10 से 11 घंटे आपको इसको पानी में गला देना है, भिगो देना है। इन्हें चारों के चारों इंग्रेडिएंट को आपको कोई भी लोहे की मिट्टी की कोई भी ऐसे पात्र में जो कि आपको अच्छा लगे उसमें आपको इसको भिगो देना है, साथ में भिगो देना है। अब 10 से 12 घंटे के बाद जब भी आप इसका सेवन करें तब आपको करना क्या है कि इसको बड़ी मद्दी आंच पर, गैस पर बिल्कुल धीरे 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 आपको इसको पकाना है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार पकाने से तो न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, जो हाँ मैं मानता हूँ कि हाँ हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि कच्ची चीजों में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, तो उसको बिल्कुल मंदी आंच पर पकाने से वो बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। इसमें पकाने से कुछ पोषक तत्व खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि जो खराब बैक्टीरियाज हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं वो भी उसी पकाने से पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब जैसे ही मंदी आंच पकाते पकाते इसमें एक उबाल आने को हो जाए तब आपको गैस बंद करके इसको उठा लेना है, और जब यह खाने लायक गुनगुना हो जाए तब आपको बढ़िया इसको टाइम देकर चबा चबा कर खाना है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में अभी बताया था कि इससे जुड़ी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी ऐसी शर्तें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। वो शर्तें ऐसी हैं कि अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी चना पचने में भारी होता है, और अगर इसमें कुछ ऐसी चीज मिला दी जाए जो कि अपने आप में ही पचने में भारी होती है तो यह पूरे एक साथ मिलकर और भी ज्यादा गरिष्ठ हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने ये बताया था कि इसको व्यायाम करने के बाद ही लेना है, क्योंकि व्यायाम करने के बाद हमारे शरीर की बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, हमारी जठर अग्नि बढ़ने लगती है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में ही हमें चने, मूंगफली, मूंग और मुनक्के लेने हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको इसका सेवन करने के बाद पेट पूरी तरीके से फुल हो जाए तब आपको दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा ही करते हैं, इसलिए अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।